तो आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ अट्रैक्शन यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। लास्ट टॉपिक में हमने हाइजन प्रिंसिपल पढ़ लिया था, इसके कुछ अजम्पशंस, इसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे और इसको हमने यूज किया था किसके लिए, तो थ्रू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ अट्रैक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास एक इंटरफेस है, ये है हमारे पास मीडियम वन और ये है हमारे पास मीडियम टू। ऑलराइट, अब क्या होगा, डिपेंड करता है ये मीडियम डेंसर है, वन है कि टू है डेंसर, तो आपकी मर्जी है कोई सा भी मीडियम ले लो। ओके, तो हम पहले क्या काम करेंगे, हम लेंगे मान लो ये है हमारे पास रेयर मीडियम, ऑलराइट, और ये जो है हमारे पास ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब होगा क्या, हम लाएंगे एक इंसिडेंट वेव फ्रंट, मान लो ये है हमारे पास वेव फ्रंट, ऑलराइट, इसके ऊपर रेज ऑफ लाइट अगर हम दिखाएंगे तो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऊपर बन गया, इसको नीचे बनाएंगे, ये है एक वे रे हमारे पास, ये है दूसरी, ये दोनों रे जो है ये परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, सॉरी इस वेव फ्रंट के ऊपर, ऑलराइट, ये जो है ये सीधा चली जाएगी यहाँ से यहाँ, ऑलराइट। नाउ व्हाट हैपेंस, सी ये मान लो ये हमारे पास यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये जो है ये हमारे पास बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये 90 माइनस आई, तो ये वाला जो एंगल है ये भी बनेगा किसके बराबर, आई के बराबर, ऑलराइट। तो इस नॉर्मल के साथ जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो बाद में देखेंगे। अब रेयरर से डेंसर जा रहा है ये, ऑलराइट, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो है ए बी नाम रखेंगे हम इसका, ये है ए, ये है बी, ए बी जो है ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट हमारे पास, ऑलराइट। नाउ व्हाट हैपेंस, ये बेंड क्यों हो जाती है, सी अब रेयर मीडियम में हमने बोला है कि रेयर मीडियम उसको कहते हैं जहां पे कंपैरेटिवली स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द डेंसर मीडियम, मतलब इन दोनों में से ज्यादा लाइट की स्पीड इधर होगी, इसमें थोड़ी सी कम होगी। अब जैसे ये चल रहा है यहां पहुंच गया, देखो इस वेव फ्रंट का एक एंड ऑलरेडी दूसरे मीडियम में एंटर हो गया और दूसरा एंड जो है वो अभी ऊपर है, तो अब ये गया है डेंसर मीडियम में, तो ये वाला एंड जो है इसकी स्पीड स्लो डाउन होगी, वो जो स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलेगा। मान लो एक सेकंड में हम देखेंगे ये चल रहा है 1,00,000 मीटर, सपोज ये चला है 50,000 मीटर, तो एक सेकंड के बाद क्या होगा, ये जो लाइट है ये पहुंच गई होगी यहाँ, ऑलराइट, ठीक है कि नहीं, ये जो है यहां पहुंच गई होगी, 2 सेकंड के बाद ये पहुंच गई होगी, हम थोड़ा स्ट्रेट बनाएंगे एक ही, ऑलराइट। तो जब ये लाइट जो है मान लो टाइम टी में यहां से यहां पहुंच जाएगी, उतने टाइम में ये वाला जो एंड है ये उतनी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, बिकॉज इसकी स्पीड जो है वो स्लो है। तो ये अगर मान लो यहां से यहां 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 2 मीटर ट्रैवल करेगा, तो ये मान लो ये पहुंच गया यहां पे, ऑलराइट। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को, ये पॉइंट इधर पहुंचा, ये पॉइंट इधर पहुंचा, इन टी सेकंड जब तक ये यहां पहुंच गया तब तक ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहां पहुंच गया तो हमारे पास जो नया वेव फ्रंट बन गया वो बन गया ऐसे। ओके, अब इस वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो आएंगे हमारे पास रेज ऑफ लाइट, ये आगे हमारे पास रेज ऑफ लाइट जो क्या है, रिफ्रैक्टिव रेज ऑफ लाइट है, क्या है हमारे पास, ये रिफ्रैक्टिव रेज ऑफ लाइट, ऑलराइट। तो ये रिफ्रैक्टिव रेज अगर आप देखोगे ये जो है बेंड हुई है, क्या हुई है, बेंड हुई है, तो किस डायरेक्शन में बेंड हो गई है, ये बेंड हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हो गई है, ऑलराइट। तो ये अगर आप देखो एक रे को लोगे, देखो इसको जाना था इधर, ये निकल रही है इस डायरेक्शन में, तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब ये रेयर से डेंसर जा रहे हैं, व्हाई इज इट बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज़ द एंड व्हिच स्ट्राइक्स द मीडियम इंटरफेस फर्स्ट इज स्लोड डाउन, इज यू नो स्लोज डाउन बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, डेंसर मीडियम, एंड द अदर एंड ऑफ द वेव फ्रंट इज मूविंग द सेम स्पीड जिसके साथ ये चल रहा था। तो जब तक ये थोड़ा ज्यादा फास्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऊपर वाला एंड फास्ट चल रहा है, नीचे वाला स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो इस चक्कर में ये क्या हो जाएगा, अब जब यहां पहुंच गया ये नीचे पहुंच गया होगा, अब दोनों एक ही मीडियम में आ गए, अब सेम स्पीड के साथ चलेंगे, स्ट्रेट चलेंगे, तो ये चल गए नीचे की तरफ, तो ये रेज ऑफ लाइट जो है ये क्या हो गए, ये हो गए बेंड, क्या हो गए बेंड, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो एंगल है ये कितना होगा, ये 90 होगा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे टेढ़ा दिखाएंगे, नहीं तो ये ओके तो अब क्या होगा, ये जो है हमारे पास ये जो रे आ गई है यहां, इसको हम स्ट्रेट बनाएंगे यहां से यहां, ये जो रे ऑफ लाइट आ गई यहां पे, ये है हमारे पास इंसिडेंट रे, ये भी है, ये भी है,
ओके अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करोगे तो ये वाला एंगल जो है नॉर्मल के साथ ये क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला 90 माइनस रिफ्रैक्शन, तो ये वाला एंगल जो है ये भी बन गया किसके बराबर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर। ऑलराइट, तो मान लो ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये मान लो ये है ए डैश बी डैश के बराबर। ऑलराइट, तो ये वाला एंगल ऑफ कोर्स रेज ऑफ लाइट वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा ये। ओके, लेट से लेट हमारे पास क्या है, वी वन जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। ऑलराइट, एंड वी टू जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू में ये स्पीड है। ओके, म्यू वन एंड म्यू टू जो है ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस किसके, ऑफ मीडियम वन एंड टू रेस्पेक्टिवली। ऑलराइट, ओके, आई और जो है एंगल आई एंड एंगल आर जो है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली। ऑलराइट, तो अगर हम देखेंगे लेट इन टाइम टाइम इक्वल टू टी द एंड बी ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट रीच टू बी डैश, देयरफॉर ये बी बी डैश डिस्टेंस जो होगी ये किसके बराबर होगी, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किसके बराबर है, वी वन, और टाइम कितना रखा है हमने टी के बराबर। ऑलराइट, इन द सेम टाइम इक्वल टू टी, ओके, लेट द एंड ए ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट रीच कहां पे पहुंचेगा, रीच टू ए डैश। ओके, तो देयरफॉर अगर हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ये डिस्टेंस के ये किसके बराबर आ जाएगा, जो हमारे पास है ए डैश या बी डैश का वैल्यू है ये किसके बराबर आएगा, ए ए डैश की डिस्टेंस, तो ये हमारे पास आएगा, देयरफॉर वी हैव ए ए डैश, ये भी आएगा डिस्टेंस, दैट इज वी टू इंटू टाइम स्पीड इंटू टाइम के बराबर। ऑलराइट, ये आ गए हमारे पास दोनों डिस्टेंसेस। नाउ इट्स वेरी सिंपल, कैसे, सी इसको हम हटाएंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं, हमें खाली इन दो डिस्टेंसेस की जरूरत है, ए ए डैश किसके बराबर है और बी बी डैश, यहाँ पे लिख के रखेंगे ए ए डैश इज इक्वल टू वी टू टी। ऑलराइट, एंड बी बी डैश जो है दैट इज वी वन टी के बराबर, सिंपल टर्म्स में ऐसे लिखेंगे हम इसको। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सी वहां पे हमने बोलते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ही क्यों आता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही क्यों आता है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि सिर्फ यही एक वैल्यू है जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश 90 डिग्री यहाँ पे है, ऑलराइट, ठीक है कि नहीं, तो अगर हम क्या फाइंड करेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर दैट इज बी बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी डैश। ऑलराइट, तो इसको हम लिखेंगे किसके बराबर, बी बी डैश जो है दैट इज इक्वल टू वी वन टी के बराबर डिवाइडेड बाय ए बी डैश, ये आ गया साइन ऑफ आई, लिखेंगे सीधा, इसकी जरूरत नहीं है, सीधा आई आ गया साइन ऑफ आई हमारे पास। नाउ इन ट्राइंगल ए ए डैश बी डैश, ये वाली ट्राइंगल 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपोटेन्यूज, तो साइन ऑफ एंगल आर जो है परपेंडिकुलर दैट इज ए ए डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी, बट ए ए डैश हमने देखा अभी ये किसके बराबर है, वी टू टी अपॉन ए बी के बराबर। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं, तो ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी दिस इज ए बी डैश। ऑलराइट, नाउ डिवाइड, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लो इक्वेशन सेकंड, तो डिवाइड डिवाइड करेंगे हम क्या, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर आ गया,
वी वन टी अपॉन ए बी डैश, डिवाइड करेंगे ये तो उल्टा हो जाएगा ए बी डैश अपॉन वी टू टी, ये कैंसल टी कैंसल, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन गया वो किसके बराबर आ गया, यहाँ पे लिखते हैं ये है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दैट इज इक्वल टू वी टू वी वन डिवाइडेड बाय वी टू के बराबर। ये आ गया रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ द टू मीडिया, तो ये रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन द टू मीडिया वो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ये बन गया किसके बराबर वी वन अपॉन वी टू। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आप इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो हमें पता है क्या कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर जो है इट इज वी वन अपॉन वी टू। मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई करता हूँ ताकि इसको म्यू के टर्म्स में लिख सके, तो इसको मैं लिखता हूँ वी वन जो है, देखो हमारे पास जो डेफिनेशन होती है किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो क्या होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन, ये इधर लिख के रखेंगे म्यू जो होता है ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ऑलराइट ये हमारे पास म्यू की डेफिनेशन है फॉर अ गिवन मीडियम, ऑलराइट। तो हम क्या करेंगे इसको इसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे सी से, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे सी से, इसको लिखूंगा मैं सी वी वन अपॉन सी वी टू के बराबर, ऑलराइट। तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है सी के नीचे आ गया सी अपॉन वी टू और ये आ गया हमारे पास वी वन अपॉन सी, ऑलराइट ऐसी टर्म नहीं है हमें सी अपॉन वी वन चाहिए, हम इसको लिखेंगे सी अपॉन वी टू और इसको क्या करेंगे उल्टा करके डिवाइड में लिखेंगे क्या सी अपॉन वी वन, रेसिप्रोकल करोगे वापस ऐसा ही बनेगा, ओके। तो बट हमारे पास जो ये सी अपॉन वी टू जो है ये है हमारे पास म्यू टू के बराबर एंड सी अपॉन वी वन जो है ये है किसके बराबर म्यू वन के बराबर, तो देयरफॉर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया किसके बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन, या आप ऐसे लिखोगे म्यू टू वन, दिस इज स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ जो है ये प्रूव करना है कि हमें ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो जो है वो होता है रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया, ऑलराइट ओके। इसके बाद सेकंड लॉ जो है वो है ये प्रूव करने ए बी प्लेन में, इसके लिए सिंपल रीजन ये है वेव फ्रंट इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और ये जो सरफेस है जहां पे ये हो रही है तीनों जो है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये जो रेज है ये इन प्लेन्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, अगर दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है और एक इसके परपेंडिकुलर तो ये रेज इसी में लाई करेगी, सेम द केस है अगर ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है रेज के परपेंडिकुलर है तो रे भी इसी प्लेन में लाई कर रही है, तीसरा अगर ये सरफेस जो है परपेंडिकुलर है बोर्ड के ऊपर और नॉर्मल इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो नॉर्मल इसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये तीनों इसी बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इस तरह से सेकंड लॉ का भी सेकंड लॉ रिफ्रैक्शन का भी क्या लिख सकते हैं प्रूव कर सकते हैं कि ये सेकंड लॉ रिफ्रैक्शन ऐसे प्रूव हो जाती है, ऑलराइट। अच्छा तो ये है हमारे पास हाइजेंस प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑलराइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इनके हिसाब। हाँ दूसरा चीज अगर ये डेंसर टू रेयर जा रही है रिफ्रैक्शन तो क्या होगा वो थोड़ा सा समझाएंगे आपको, यहाँ पे ये है हमारे पास इंसिडेंट रे, ऑलराइट ये जा रही है डेंसर मीडियम टू रेयर, पहले जा रही थी रेयर टू डेंसर, ऑलराइट ये है हमारे पास रेज ऑफ लाइट, ऑलराइट। अब क्या होगा डेंसर टू रेयर जा रही है, ये वाला एंड ऑलरेडी चला गया है इस वाले रीजन के अंदर, ये वाला एंड अभी इधर ही है ये चलेगा ऐसे, ओके। मान लो एक सेकंड लगा या दस सेकंड लगे इसको यहां से यहां पहुंचने में, यहाँ पे डेंस स्पीड कम है तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है, पर यहाँ पे जब पहुंच गया ये तो यहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा है, ये क्या निकलेगा थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करके निकलेगा, उसके बाद क्या होगा जब तक ये वाला भी इस मीडियम में पहुंच जाएगा उसके बाद हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस डायरेक्शन में निकल जाएगी रे ऑफ लाइट, तो इंसिडेंट रे आ रही थी ऐसे इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसलिए इस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये रेज ऑफ लाइट जो है ये बैंड कैसे होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, because it is going from denser to rarer, speed will increase, this end will move fast, this end will move slow, देखो ये ऐसे हो रहा है ये वाला fast चलेगा ये slow चलेगा तो ये obviously आगे निकलेगा, उसमें क्या हो रहा था पहले fast दूसरा slow तो ये ऐसे वो fast चलेगा ये slow चलेगा it will bend towards the normal, so denser to rarer bends away from the normal, rarer to denser bends towards the normal, so we can explain it with the help of these wavefronts, alright।
नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रिंसिपल जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है ये एक स्टैंडर्ड मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था कि जो प्रूव कर रहा था कि वेव नेचर ऑफ लाइट जो है. ओके तो इस इंटरफेरेंस में बेसिकली क्या होता है, इंटरफेरेंस में दो वेव्स है हमारे पास. ओके जैसे लास्ट ईयर हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरफेरेंस. 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि आपके पास जो वेव्स होते हैं उनकी वेव्स की इक्वेशन क्या होती है. तो मान लो लेट्स से हमारे पास वेव्स है, वी हैव टू वेव्स, लेट्स से y1 जो है एंड y2, y1 जो है दैट इज a sin ऑफ ओमेगा t a1 एंड y2 जो है दैट इज a2 sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5 बी द टू वेव्स बी द लेट y1 एंड y2 बी द टू वेव की इक्वेशन यही होती है. ओके जो ट्रेवलिंग वेव होती है ठीक है कि नहीं, प्रोग्रेसिव वेव होती है उसकी इक्वेशन यही a उसका एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी है, b होता है टाइम एंड दिस phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2. इंटरफेरेंस होता क्या है, मिक्सिंग ऑफ वेव, जब दो वेव जो है मिक्स करके एक नई वेव जनरेट करते हैं. ओके वेव जो है वो क्या होते हैं, एड अप ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू वेव. ऑलराइट नई वेव बनाते हैं जिसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा. एड अप का मतलब यहां पे नहीं सिर्फ ये ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं. ओके जस्ट दे यू नो क्लाइम ओवर ईच अदर, दे मिक्स विद ईच अदर और क्रिएट अ न्यू वेव. वो नई वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है. तो हम देखेंगे कि फिर वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. ऑलराइट अच्छा तो हम बोलते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है. इंटरफेरेंस की अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखेंगे तो हम बोलते हैं ये सिंपल में ऐसे अगर हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखेंगे इस इंटरफेरेंस की तो ये होता क्या है, बेसिकली ये होता है मॉडिफिकेशन. ये होता है द मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी. जो इंटेंसिटी एक वेव की होती है, जो एनर्जी होती है वेव की या लाइट की अगर हम बात करेंगे, ये मॉडिफिकेशन होती है इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर लाइट वेव्स. सुपरपोजिशन पढ़ा आपने लास्ट ईयर, चूंकि वेव जो है ये सुपरपोज इम्पोज करते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से ये मॉडिफिकेशन हो जाती है. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस. ऑलराइट अभी इंटरफेरेंस हम अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा ये मैथमेटिकल है. मान लो हमारे पास दो वेव्स है, ये y1 एंड y2, a1 एंड a2 जो है ये है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स और phi जो है ये फेज डिफरेंस. क्या है, फेज डिफरेंस जिसको आप epoch भी बोलते हैं. इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है वेव्स का वो हमने देखा है, ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस दिया हमने. अब ये दो वेव्स लास्ट ईयर का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो ये दो वेव जो है जब इस पर इम्पोज करेंगे तो हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय कैसे y=y1+ रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट जो है दैट विल बी सिंपली सम ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट्स. ऑलराइट तो हम यहां पे लिखेंगे इसको, तो y आ गया हमारे पास a1 sin ऑफ ओमेगा t प्लस a2 sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5. ओके दो वेव्स मिलके नई वेव बनाएंगे. ऑलराइट अब ये दूसरा जो है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे, इट इज a1 sin ओमेगा t ऐसे रख लो प्लस a2, ये sin ऑफ a प्लस b किसके बराबर होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इसके बराबर होती है ये फॉर्मूला. ऑलराइट तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस a2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बनेगा कॉस ओमेगा टी एंड साइन ऑफ फाइव. ऑलराइट इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन है तो ये बनेगा a1 प्लस a2 cos ऑफ 5
और ये अपना साइन ऑफ ओमेगा टी, ये टर्म जो है कॉन्स्टेंट है, ओके वेरी, क्योंकि फेज एंगल गिवन होगा इनिशियली, एम्पलीट्यूड इनका फिक्स होगा, तो ये दो टर्म्स कॉन्स्टेंट है, बचा वेरिएबल इनके साथ साइन ऑफ ओमेगा टी, प्लस क्या है हमारे पास ए टू साइन ऑफ फाइव लिखेंगे पहले, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है कॉस ओमेगा टी, ये है हमारे पास, ये रिजल्टेंट वेव जो है बन जाएगी ऐसे। इसको इस शक्ल में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, मैथमेटिक्स का एक टेक्निक है इसको सिंप्लीफाई करने का, वो क्या है कि हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास जो ये पहला टर्म है ये लेट्स से ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव जो है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने का मतलब कि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में वो वैल्यू किसके बराबर आएगा वो भी हम फाइंड कर लेंगे, मान लेंगे किसके बराबर, इट इज ए कॉस थीटा के बराबर, और ए टू साइन फाइव जो दूसरे के साथ ये टर्म है इसको हम लिखेंगे किसके बराबर, ए साइन थीटा के बराबर, ऑलराइट, ये दोनों हमने एज्यूम कर लिए हैं, ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन नहीं बन जाएगी वो थोड़ी सिंप्लीफाइड होगी, कैसे होगी यहाँ पे देखते हैं, तो हमारे पास जो वाई का वैल्यू आ जाएगा, देखो जरा ये किसके बराबर आएगा, दैट इज ए कॉस थीटा इंटू साथ में क्या है इसका साइन ओमेगा टी, प्लस वो क्या है ए साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, इन दोनों में से ए कॉमन निकालो, ये बन जाएगा क्या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बन जाता है क्या साइन ऑफ ए प्लस बी के बराबर, तो ये वेव जो है ये खाली ये आपको दिखाने के लिए कि ये वेव की शक्ल जो हमने ओरिजिन वेव ली थी दूसरी वाली या पहली वाली साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो एक एम्पलीट्यूड साइन ऑफ एंगल ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट फेज एंगल, तो इसकी फॉर्म भी वैसी बन रही है, ये इतना अंडरस्टैंड कराने के लिए कि ये जो फाइनल वेव है भले ही आपको ये अभी कॉम्प्लिकेट लग रही है कि ये तो यार कुछ और है वो कुछ और थी, बट रियलिटी में ये दोनों वेव सिमिलर जैसी है, ये भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ही है, इनका कॉन्स्टेंट का वैल्यू डालोगे एम्पलीट्यूड भी कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट साइन ओमेगा प्लस कॉन्स्टेंट इंटू कॉस ओमेगा, वहां पे भी ऐसा ही था हमारे पास, तो ये फॉर्म जो है ये भी बन जाती है कैसी वेव, वैसी जैसे हमारे पास पहले वेव थी, ओके, अब हम ये देखेंगे कि इसका जो ए जो है ये है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ए जो है ये है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, इस एम्पलीट्यूड को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या है देखो, वी हैव ए कॉस थीटा जो है ये ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव के बराबर, और ए साइन थीटा जो है दैट इज ए टू साइन ऑफ फाइव के बराबर, ओके, इनको क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज इक्वेशंस, एडिंग दीज टू इक्वेशंस को हम एड स्क्वायर एंड एड करेंगे, ये बनेगा क्या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस बन गया ये क्या ए टू साइन फाइव का होल स्क्वायर, ऑलराइट, सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा सा इसको, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा आएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आ जाती है हमारे पास, इनमें हम ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, ये बन जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया हमारे पास इस साइड, इधर इसको एक्सपेंड करेंगे इक्वल टू ये है ए वन स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए इंटू बी, ऑलराइट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, टू ए इंटू बी आ गया, प्लस है हमारे पास क्या ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया हमने, अब देखो सिंपली ये तो वन बन गया तो बचा ए स्क्वायर, ये बन गया ए वन स्क्वायर प्लस इसमें और इसमें ए टू स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ये बन गया कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस बन गया ये किसके बराबर टू टाइम्स ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव के बराबर, ये वाली वैल्यू भी वन है तो ए का स्क्वायर आ गया किसके बराबर ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव के बराबर, ये बन गया हमारे पास एम्पलीट्यूड किस चीज का फाइनल वेव का, रूट निकाल के तो खत्म बात,
हमें एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इंटेंसिटी, एनर्जी कितनी है इस वेव के पास, ठीक है कि नहीं। तो रिमेंबर वन थिंग यहाँ पे, नाउ वी नो, क्या वी नो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ऑलराइट, सो देयरफॉर I1, intensity of the first wave जो है, that will be equal to some constant times A1 का square, amplitude इसका A1 है पहली wave का, okay? I2, that intensity of the second wave, वो भी proportional होगा उसके amplitude का, वो क्या है A2 square, K constant है, और ये resultant wave है उसका intensity I, that will be equal to some constant times उसके amplitude का square आ गया, खत्म बात। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा simplify करेंगे, alright, ये values यहाँ पे डाल के हमारे पास इंटेंसिटीज का फॉर्मूला बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में डाल दो, तो हमारे पास आ गया के स्क्वायर इक्वल टू के A1 स्क्वायर, ओके सॉरी A स्क्वायर के बदले में क्या डालेंगे हम यहाँ पे, अगर आप देखोगे इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल किसके बराबर है, हमारे पास इंटेंसिटी जो है वो है प्रोपोर्शनल टू किसके, दैट इज A1 स्क्वायर के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे K से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव क्या, K से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा K स्क्वायर इक्वल टू K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स K A1 A2 cos ऑफ phi। या तो ऐसे लिख लो, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, Which implies यहां से क्या आएगा, A1 का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ I1 by K, which implies A2 का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ I2 by K, which implies कैपिटल A का वैल्यू जो है वो आएगा किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाई K। ये तीन वैल्यूज हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगा, क्या हमें A के बदले में क्या लिखेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए स्क्वायर के बदले में डालेंगे ये ए का वैल्यू, तो ये बनेगा सीधा आई अपॉन के इक्वल टू A1 के बदले में डालेंगे ये वैल्यू, तो ये बनेगा I1 अपॉन के, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा। A2 के बदले में ये वैल्यू डालेंगे प्लस बनेगा ये किसके बराबर, I2 अपॉन के, फिर बचा टू टाइम्स A1 के बदले में ये आ गया अंडर रूट ऑफ I1 बाय अंडर रूट ऑफ के, फिर A2 के बदले में I2 अपॉन अंडर रूट ऑफ के, फिर बन गया हमारे पास cos ऑफ phi। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ए स्क्वायर का वैल्यू डाला मैंने, रूट और स्क्वायर कैंसिल होके बचेगा I अपॉन के, A1 का स्क्वायर और रूट कैंसिल होके बचा I1 अपॉन के, A2 का स्क्वायर और रूट था I2 अपॉन के, फिर A1 के बदले में क्या आएगा सीधा अंडर रूट ऑफ I1 बाई के, मैंने रूट अलग अलग लिखा, इसी तरह A2 का वैल्यू अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन के, मैंने रूट इसका अलग इसका अलग, और कोई फर्क नहीं है इसमें। तो ये बन गया I अपॉन के इज इक्वल टू, देखो इन सब में I कॉमन है, I2 प्लस 2 टाइम्स इनको इकट्ठे रूट रखेंगे I1 I2 cos phi, रूट के कैंसिल होके क्या बचेगा K, तो वो नीचे ये और ये कैंसिल, तो इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल वेव जो है दैट्स इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I1 I2 इनटू cos ऑफ द एंगल phi। देखो वो थीटा बीटा की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, वो हमने थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए वो वैल्यू लिया था हमने थीटा का टेम्पररीली, और ए का वैल्यू जो है कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो हमने लिया था टेम्पररीली। ऑलराइट, तो अब सब कुछ जो है जितने भी इंटरफेरेंस पैटर्न्स देखेंगे YDSC वगैरह देखेंगे वो इस इक्वेशन से हम डिराइव करेंगे। ऑलराइट, सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें और डिटेल्स है, वो ये है कि इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये आ गई किसके बराबर, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई फाइनल, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल वेव इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ वेव 1 इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I1 I2 एंड cos ऑफ phi। ओके, तो यहां पे लिखते रखेंगे I जो है ये इंटेंसिटी किसकी, इंटेंसिटी ऑफ फाइनल वेव I1 एंड I2 जो है ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वेव Y1 एंड
वाई टू रेस्पेक्टिवली, ओके। और फाइव हमें पता ही है फेज डिफरेंस, ओके। नाउ लेट अस कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ओके। तो आई जो है इज मैक्सिमम का, आई का वैल्यू कब होगा मैक्सिमम, हमें फाइंड करना है इसका मैक्सिमम वैल्यू, ओके। तो हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो हम बोलेंगे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि ये दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे और जो इनकी इनका एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको लास्ट ईयर बताया कि अगर दो वेव्स, मान लो एक वेव ऐसे आ रही है और दूसरी वेव इसके ऊपर एड हो रही है ऐसे, और तो ये जो नई वेव बनाएंगे वो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बन जाएगा, मैग्निफाई हो जाएगा। तो इनका वेव्स का एम्पलीट्यूड अगर ऐड हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ओके। अगर उल्टा हो गया, ये एक वेव आ रही है हमारे पास ऐसे, दूसरी वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे को खा जाते हैं और जो नई वेव बनेगी वो बनेगी छोटी सी वेव, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑलराइट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। So for constructive interference, this value has to be maximum, okay? So for constructive interference के लिए क्या होता है? Cos of phi का value जो है वो होना चाहिए maximum. और cos phi का maximum value जो है वो किसके बराबर होता है? Plus one के बराबर. तो ये कब होता है? Which implies phi का कौन-कौन सा value? कौन-कौन से phase angle पे ये value जो है plus one आता है? देखिए इधर, cos का value zero डालोगे तो plus one आता है. 180 डालोगे तो माइनस वन, ओके। ये देखो, जीरो टाइम्स पाई डालोगे तो प्लस वन, वन टाइम्स माइनस वन, टू टाइम्स प्लस वन, थ्री टाइम्स माइनस वन, फोर टाइम्स प्लस वन। तो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई जो है उनपे क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास पाई जो आएगा ये किसके बराबर आएगा? एक आएगा जीरो डिग्री एंगल के ऊपर, यह आएगा टू पाई के ऊपर, यह आएगा फोर पाई के ऊपर, एक्स्ट्रा और एड। तो अगर हम जनरलाइज करेंगे इसको, ये सिंपली क्या होता है? ये फाई का वैल्यू जनरल फॉर्मूला होता है 2n पाई के बराबर, और ये n का वैल्यू आप स्टार्ट करोगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस केस में जब जब फाई का वैल्यू इसके बराबर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ऑब्वियस बात है कि अगर हमारे पास एक वेव ऐसे जा रही है और दूसरी वेव कब स्टार्ट कर रही है? जब इसका एक कंप्लीट या तो जीरो डिफरेंस, मतलब ये भी उधर स्टार्ट, ये भी दूसरी भी उधर स्टार्ट, तो दोनों के क्रैश स्क्रैच के ऊपर ऐड होंगे, ट्रफ ट्रफ के ऊपर ऐड होंगे, तो ये मैग्निफाई हो जाएगा। यहाँ 2 पाई का डिफरेंस होगा, 2 पाई मतलब एक सेकंड कंप्लीट करने के बाद, एक सेकंड कंप्लीट करने का मतलब फिर से वही शुरू हो रहा है, ओके। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस में फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस इतना होगा। अब हम बात करेंगे तो देयरफॉर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है? फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस इक्वल टू फाई जो है वो है 2n पाई के बराबर, ऑलराइट। अब इसी के साथ देखेंगे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक तो एंगल्स में कितना डिफरेंस और डिस्टेंस वाइज कितना डिफरेंस है इनका, ओके। तो हम देखेंगे फेज डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर सॉरी पाथ डिफरेंस की बात करेंगे, फेज हमने लिखा पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो अगर एक वेव है हमारे पास, ये वेव है हमारे पास, ऑलराइट, ये स्टार्ट कर रही है यहां से यहां, जब इसका एंगल पूरा 360 डिग्री होगा तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक लैम्डा, एक वेव लेंथ, ओके। तो लेट से लैम्डा जो है ये है वेवलेंथ, क्या है? वेवलेंथ। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री के बाद फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस आएगा, तो 2 पाई पाथ डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? लैम्डा के बराबर, ओके। तो एक यूनिट का एंगल फेज डिफरेंस, अगर जब 360 डिग्री का डिफरेंस होगा तो एक वेवलेंथ आगे निकल गया होगा, एक यूनिट गया होगा, एक यूनिट की अगर हम फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो फॉर फेज डिफरेंस, फॉर फेज डिफरेंस इक्वल टू फाई, पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होगा? पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू, इसको हम किससे नोट करते हैं? के से, जिसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट। प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट
तो पाथ डिफरेंस जो है जिसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे वो किसके बराबर आएगा, के टाइम्स फाई, तो वो आएगा के दैट इज लैम्डा अपॉन टू फाई इंटू फाई के बराबर। ऑलराइट, समझना इस बात को, मतलब एक रेडियन का जो फेज डिफरेंस होता है उसके मुकाबले में इतना पाथ का डिफरेंस होता है। अब दो रेडियन होंगे तो टू टाइम्स, तीन होंगे तो थ्री टाइम्स, फाइव होंगे तो फाइव टाइम्स। ऑलराइट, तो उतना आएगा हमारे पास पाथ डिफरेंस। ऑलराइट, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास देयरफॉर डेल्टा की जो है दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस किसके बराबर है 2n पाई, तो 2n पाई के बराबर 2n सॉरी 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 इट्स 2 पाई नीचे n 2n पाई ऊपर 2 पाई कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए n लैम्डा और n का वैल्यू जो है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑलराइट, या तो 0 का वैल्यू डालोगे तो या तो कोई पाथ डिफरेंस होना नहीं चाहिए, या 1 डालोगे एक लैम्डा का मतलब एक वेव कंप्लीट होने के बाद अब दूसरी वेव आ रही है, या दो वेव कंप्लीट होने के बाद अब दूसरी वेव आ रही है। ऑलराइट, तो इतना पाथ डिफरेंस होना चाहिए कितना n लैम्डा, या होना चाहिए 2n पाई टाइम्स जो है वो होना चाहिए फेज डिफरेंस। ऑलराइट, इसी तरह हम क्या करेंगे बात डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास क्या होगा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉस फाई का वैल्यू जो है ये होना चाहिए मिनिमम, क्या होना चाहिए, फॉर कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना है, वो है हमारे पास -1 के बराबर, दैट इज इक्वल टू -1 कहां कहां पे होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई के ऊपर, तो पाई का वैल्यू होना चाहिए या पाई या 3 पाई या 5 पाई या 7 पाई एंड सो ऑन, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे होता है ये। ओके, ऑड नंबर्स का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, 2n प्लस 1 पाई के बराबर, और ये जो n का वैल्यू है इट स्टार्ट्स फ्रॉम किधर से, अगर हम स्टार्ट करेंगे 0 से 0 1 2 एंड सो ऑन, तो दिस इज द फेज डिफरेंस फॉर किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ऑलराइट, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव्स ऐड तो हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज हो जाते हैं मगर एक दूसरे की इंटेंसिटी को खत्म करते हैं, तो हम देखेंगे अब ये तो पाथ डिफरेंस हो गया। ओके, फॉर पाथ डिफरेंस इसके बराबर आ गया, देयरफॉर पाथ डिफरेंस सॉरी फेज, दिस इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इक्वल्स पाई इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू पाई। अब देखेंगे हम क्या पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल्स लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 2n प्लस 1 इनटू लैम्डा के बराबर, यस सॉरी पाई के बराबर, पाई एंड पाई कैंसिल आउट, तो ये बनेगा 2n प्लस 1 इनटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। ऑलराइट, ऑड मल्टीपल्स ऑफ हाफ वेवलेंथ जो है वही होता है क्या पाथ डिफरेंस, इनकी हाफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो n का वैल्यू 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा, 0 डालोगे तो लैम्डा बाय 2 हाफ पाथ डिफरेंस, हाफ पाथ डिफरेंस का फर्क का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम n का वैल्यू 0 डालेंगे तो डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है 1/2 लैम्डा दैट लैम्डा बाय 2 आएगा, ये हमारे पास एक वेव जब ये यहां पहुंच गई होगी तो तभी दूसरी वेव स्टार्ट करेगी, मगर इसका अगर मैक्सिमा है उसका हाफ होगा मिनिमा मतलब आधा स्टार्ट करेगा तो तभी स्टार्ट करेगी इस डायरेक्शन में, तो ये जब एक दूसरे को ऐड करेंगे ये अगर क्रस्ट है ये ट्रफ है इनके बीच में जो है फेज डिफरेंस कितना है 180 डिग्री का है और पाथ डिफरेंस कितना है एक हाफ वेव लेंथ का। ओके, तो ये दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ये नीचे खींचेगा, ऐसा मान लो डिस्प्लेसमेंट इनर्ट जो है वो क्या आ जाएगा 0, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, दैट इज द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस फॉर किसके लिए कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या आता है जो कंस्ट्रक्टिव ये पाथ डिफरेंस और ये जो है ये आपने वैल्यूज मेमोराइज करने हैं क्योंकि यही वैल्यूज जो है ये यूज होते हैं किसमें, जब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने पाथ डिफरेंस जो है विंज है जो है विड्थ जो फाइंड करनी है हमें, फ्रिंज विड्थ जो फाइंड करनी है या फ्रिंज पोजिशन फाइंड करनी है उसके लिए हमें चाहिए पाथ डिफरेंसेस, तो वो हमारे पास वैल्यूज है, आप इनमें वैल्यूज कल YDSC में यूज करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे।